आजकल के दिनों में हम लोग सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं अपनी बालों को लेकर। जब ज़्यादा बाल झड़ते हैं तो हम अपने बालों को काट देते हैं। हमें लगता है यही एकमात्र सल्यूशन है जिससे हमारे बालों का झड़ना कम हो जाएगा, लेकिन ये एकदम गलत है। और सही जानकारी ना होने के कारण हम लोग बालों में बहुत सारी चीज़ों का अप्लाई भी कर देते हैं और जो कोई काम के नहीं होते हैं। इससे हमारे बाल और भी झड़ जाते हैं। आज के वीडियो में मैं ऐसी ही एक नुस्खा बताने वाली हूँ जिससे आपके बालों का झड़ना तुरंत बंद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रेमेडी के लिए सबसे पहले हमें लेना है फ्रेश एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल बालों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। एलोवेरा जेल में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी, जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका इस्तेमाल करने से बालों में बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें एक बार में ही मिल जाता है, और उनमें सबसे पहला सोल्यूशन है डैंड्रफ। और हेयर फॉल से बचने के लिए भी हम एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हमें लेना है एक बड़ा सा प्याज। प्याज में मौजूद रहता है सल्फर, जो बालों की जड़ों को पोषण देता है और जिससे हमारे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं। बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए हम प्याज का रस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हमें और एक इंग्रेडिएंट लेना है, वो है कॉफ़ी। तो रिसर्च से ये पता चलता है कि कॉफ़ी में है कैफीन डीटीएच, जो बालों को बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को ये बढ़ाता है। अगर एजिंग की वजह से आपके बहुत सारे बाल झड़ते हैं, मतलब आपकी उम्र हो रही है और उसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स बहुत ही वीक हो रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हो अपने बालों के लिए। ये जो तीनों चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाया, इनको ले लीजिए और इसके साथ थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। पानी ऐड करने के बाद इनको हल्के आंच में उबाल लीजिए। उबाल लेने के बाद ये जो पानी है इसको आप छांग लीजिए और एक बॉटल में डाल दीजिए। अब इसके बाद इसके साथ हमें मिलाना है थोड़ा सा शैम्पू। जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हो उस शैम्पू को इसके साथ मिला लीजिए। जब भी आप अपने बालों को वॉश करेंगे, शैम्पू करेंगे, उस समय इस पानी से आप अपने बालों को धोइए। लगातार ऐसा करने से ना ही आपके बाल मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे, लेकिन आपके बालों में जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आप इसको जब भी बालों में शैम्पू करेंगे उस समय तैयार करें, और तैयार करने के बाद एकदम फ्रेश शैम्पू के साथ मिला लीजिए और अपने बालों को शैम्पू करके धो लीजिए। तो हफ्ते में 3 से 4 बार आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो। एक आसान सा रेमेडी मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया है। फिलहाल अगर आपके बहुत सारे बाल झड़ रहे हैं, आप इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हो। और इसके लिए आपको बालों में हेयर ऑयल को लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये एक बढ़िया सा हेयर लोशन है जिसको आप शैम्पू के साथ मिला के अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी और एक वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना, अपने स्किन का और अपने बालों का ख्याल रखिए और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।